हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही क्विक और सबका फेवरेट कच्चे केले की चिप्स। उसके लिए मैंने कच्चे केले, सेंधा नमक और तेल लिया है। सेंधा नमक मैंने इसलिए लिया है ताकि हम लोग उसे व्रत में भी खा सकें। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि केले का छिलका किस तरीके से उतारते हैं। केले का छिलका उतारना बहुत मेन है। मैंने सबसे पहले जहाँ से केले पे लाइन होते हैं वहाँ से मैंने चीरा लगाया है। चीरा लगा के अब मैं उसका छिलका निकाल रही हूँ। अगर आप केले का छिलका अच्छे से नहीं निकालेंगे तो आपके चिप्स भी अच्छे से नहीं बनेंगे। जहाँ से केले का लाइन बनता है वहाँ चीरा लगा के कट करने से छिलका इजीली निकलता है। मैं आपको छिलका निकाल के दिखा दे रही हूँ। एकदम इजीली और बहुत अच्छे तरीके से छिलका निकल गया। एक और तरीका है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। उसके लिए भी मैंने सेम साइड से कॉर्नर कट कर लिया और पीलर से, जिससे हम लोग आलू छिलते हैं उससे मैं छिलका उतार रही हूँ। पर इसमें ऊपर ऊपर का ही नहीं, एकदम अच्छे से पूरा छिलका निकलना है ताकि केले का वाइट पार्ट दिख सके। इस तरीके से भी आप छिलका उतार सकते हो या पहले जैसे मैंने बताया वैसे भी आप छिलका उतार सकते हो। बस छिलका उतार लिया है मैंने, इसको साइड में रख लिया। अब मैंने पैन रख के तेल गर्म होने रख दिया है। जब तक कि हमारा तेल गर्म होता है मैंने एक कटोरी में हाफ स्पून सेंधा नमक लिया है और इसमें अराउंड डेढ़ स्पून मैंने पानी डाला है। डाल के मैं इसे मिक्स करके साइड में डाल रही हूँ। अब केला का चिप्स बनाने के लिए हमें थोड़ा सा जो मोटा वाला साइज़ होता है वो यूज़ करना है। मैं डायरेक्ट कढ़ाई में केले के चिप्स बना रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको पहले कर लेना, मैं आपको वो प्रोसीजर भी दिखा दूँगी। मैंने केले के चिप्स डायरेक्ट कढ़ाई में डाल लिए हैं और मैं उसको फ्राई कर रही हूँ तब तक जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। केले काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का पानी, जिसमें हमने सेंधा नमक में पानी मिक्स करके डाल दिया है। आप नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए मैंने सेंधा नमक डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद तब तक कि हमें इसे मिक्स नहीं करना है जब तक कि इसमें का पूरा पानी ना निकल जाए। पानी निकलने के बाद थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा जैसे क्रिस्पी हो जाएगा तब तक के फ्राई करके हमें चिप्स निकालने हैं। बस हमारे क्रिस्पी चिप्स बनके रेडी है। मैं आपको एक और तरीका दिखा रही हूँ। इसमें आप केले के चिप्स बना लेना प्लेट में। प्लेट में बना के आप इसको पानी में नहीं डालोगे, डायरेक्ट आप इसको कढ़ाई में मतलब तेल में डालोगे। एक एक केले का ही आप बनाना, सबको एक साथ मत बनाना। एक केला मैंने चिप्स बना लिया और उसको मैंने ऑयल में डाल दिया। इस तरीके से करने से भी आपके चिप्स अच्छे बनेंगे। पर आप पहले से ही केले को खींच के पानी में डाल के नहीं रखना। ऐसे करने से ना ही आपके केले के चिप्स क्रिस्पी बनेंगे और ना ही वो एकदम वाइटिश रहेगा। अभी मैंने डाला है नमक पानी। नमक पानी आप ऐसे डालने के बजाय आप पूरे चिप्स बना के ऊपर से भी डाल सकते हो, पर वैसा करने से नमक झड़ जाएगा और अंदर तक नहीं जाएगा। ऐसे करने से नमक एकदम अंदर तक जाएगा। चिप्स ऑलमोस्ट बन के रेडी है। इसका पानी भी वेपोरेट हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा और फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके पैसे निकाल ले रही हूँ। हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिप्स बन के रेडी है। इसे बना के आप एक महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप भी ये टेस्टी क्रिस्पी चिप्स बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।